सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले कल अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोपहर में दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली तमिलनाडु की टीम राजस्थान से भिड़ेगी। शाम को पंजाब का मुकाबला बड़ौदा की टीम से होगा। फाइनल 31 जनवरी को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। सेमीफाइनल की इन चारों टीम में इस साल IPL का 14वां सीजन खेलने जा रहे 7 टीम के 13 खिलाड़ी आपस में भिड़ते दिखेंगे। ये 7 टीम चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल, कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैं। सेमीफाइनल खेलने वाली 3 टीमों की कमान IPL के 3 खिलाड़ियों के हाथों में है। तमिलनाडु के कप्तान कार्तिक KKR की तरफ से खेलते हैं। बड़ौदा की कमान कुणाल पांड्या ने संभाली थी, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। हालांकि कुणाल पिता के निधन के बाद वे टूर्नामेंट से हट चुके हैं। वहीं पंजाब टीम के कप्तान मनदीप सिंह किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते दिखेंगे। बड़ौदा टीम के कुणाल पांड्या अकेले प्लेयर हैं जो IPL का 14वां सीजन खेलेंगे।